हजारीबाग केरेडारी प्रखंड के कृषि मैदान में स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास, विशिष्ट अतिथि हजारीबाग के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मौके पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ स्वच्छता को लेकर विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को शौचालय बनवाने और उसके उपयोग के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई रखने का भी अपील किया। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 2 अक्टूबर तक हम लोग गांधी जी की जयंती पर अपने राज्य को एक स्वच्छ राज्य के रूप में समर्पित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने का भी अपील मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से किया। उन्होंने कहा कि इस बार वर्ष 2018 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य का पहला जिला हजारीबाग बन जाने के कारण न सिर्फ राज्य का मान बढ़ा है बल्कि देश का अभिमान बढ़ा है और यह सब सभी के प्रयास से ही संभव हो पाया है। वहीं मुख्यमंत्री के लोगों ने सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठाने के साथ साथ आयुष्मान भारत के कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से समझाया। हजारीबाग के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से स्वच्छ रहने का आह्वान किया। अभी सती मंडल को और बढ़ाएंगे आप। अभी सती मंडल को हम लोग काफी स्वरोजगार जैसे हर जिला में डिस्ट्रिक्ट में अंडा ही उत्पादन है। अब सीओ और उसका काम है मार्केटिंग का। तो हमने दीदियों से पूछा मैं कितना कमा लेती तो बोला सर हम लोग 2 घंटा आते हैं और 4 से 5 हजार रुपया। इसी तरह अभी सरकार कर रहे की योजना कि हर जिला में डिस्ट्रिक्ट पोल्ट्री फेडरेशन सोसाइटी बनेगी। क्या बनेगी? और ये स्कूल में हर जिले में बनेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा गरीब को नुकसान। इसलिए आपकी आकांक्षाएं भी ज्यादा है, आशाएं भी ज्यादा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आप सबके सहयोग से। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए। झारखंड देश का नहीं है, दुनिया के समृद्ध देश से हम बराबरी करेंगे। गुजरात में 40% प्राकृतिक संसाधन नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये कुदरत ने झारखंड को दिया। कोई कारण नहीं कि अब देश नहीं दुनिया के विकसित कंट्री से झारखंड की बराबरी हो, क्योंकि जरूरत है इस मानव संसाधन जो हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। ये जो नौजवान जो हमारी शक्ति है, ये जो युवा शक्ति है जो सबसे बड़ा धन शक्ति है, उसके हाथ में स्केल कर ये जो प्राकृतिक संसाधन का वैल्यूएटेड प्लांट लगाकर अगर हम राज्य में रोजगार दें तो कोई कारण नहीं। और यही कारण है इस 4 साल में देश का दूसरा राज्य झारखंड आर्थिक विकास दर में 1.2, गुजरात के बाद झारखंड इन 4 साल में दूसरा राज्य जो तेजी से बढ़ता हुआ विकास। और ये सब झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के कारण। इसी सोच के साथ हमें और आगे, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सबसे अटल बिहारी वाजपेयी, सत्ता को एक साधन माना, साध्य है समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट ला, समाज के अंतिम व्यक्ति के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कपड़े पहना, तब तक चलते रहना चरवती चरवती, तब तक ये कारवां चलता रहे। अभी राम की बात चल रही है, आप सबको मालूम है कि मैं नागर विमानन मंत्री हूँ। मैं इस बेटी को कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उस हेलीकॉप्टर में बैठिएगा नहीं, आप ठीक प्रशिक्षण लीजिए और ठीक शिक्षा लीजिए, आप उस हेलीकॉप्टर को चलाइएगा भी, क्योंकि तो हमारे देश में जितनी महिलाएं पायलट है और किसी देश में नहीं। वेरी गुड, जब बनना चाहते हो बताना करते हैं, पूरा राज का मजबूत है।